परेशान किया जा रहा है हम लोगों को, आदिवासियों को सरकार क्यों परेशान कर रही है? क्या मांगे हमारे गरीब जन, हमारे पास कुछ नहीं है, जो बड़े दबंग लोग हैं इतनी सारी जमीन पड़ी उसमें कुछ नहीं करना, इनको बस मेरा सच्चा झोपड़ा तोड़ना है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और अब चार दिन से परेशान करे साहब, हम खाना पेट नहीं पड़ा, भूखे सो जाते हैं। भूखे सो तहसीलदार साहब कहाँ हैं? तो हमको परेशान कर रहे, दो तीन चार दिन से हमको परेशान कर रहे हैं लोग। देखिए गरीबों का परेशान करने का क्या मतलब है, मुझे आप समझाइए। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, गरीबों की तो जमीन छीन लेते हैं, अगर इनको पट्टा देना होता तो आज तक पट्टा नहीं मिला है। बाकी कोई बड़े बड़े लोग हैं उनको आराम से पट्टा मिल रहा है। वो बड़े बड़े मकान बने हुए साहब, उसको नहीं तोड़ते, और मेरे कच्चे झोपड़े को तोड़ने के लिए आते हैं लोग। ये कहाँ लिखा है कि जनजाति का घर उजाड़ कर जनजाति को बसाने का, ये कहाँ कहाँ लिखा है? अब ये देखिए, मैंने तो सरकार का जितना सरकार के आदेश निर्देश में उसका पालन कर रहा हूँ। इनको मैंने जब तक इनको कौन सी जमीन आवंटित नहीं होगी तब तक इनका घर नहीं टूटेगा। नहीं तो ये कोई तरीका नहीं होता है कि अमीरों को तो सब कुछ जमीन भी मिल जाती है, पट्टे भी मिल जाते हैं, इनको क्यों नहीं दिया गया पट्टा? अगर कोई अपना घर आकर उजाड़ दे तो कैसा लगेगा आप उनको? मैं भी आप ही लोगों से सुनेंगे, लेकिन अब चूंकि नहीं, मैं आपकी दुविधा मैं समझ रहा हूँ। ऊपर से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग फोन करवा देते हैं, आपकी थोड़ी ना गलती है, तो ऊपर वालों को देखना चाहिए। आप तो अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, पर इनकी भी तो सोच सुनना पड़ेगी। अगर इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे तो फिर क्या मतलब है हमारा? और आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप ये जेसीबी वापस भिजवाइए, आज कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे।